This meeting is being recorded. ये तो कैसे हो, कैसा चल रहा है वहां पे? एंड अभी तक तो सब बढ़िया है। कैसा कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब कैसा सोचा था और कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब वही था कि अच्छा खासा लर्निंग बहुत है। ये बात है, अभी तक जो हुआ जितना अभी तक 5 महीने हो चुके हैं, तो अब तक मैं अच्छा खासा लर्निंग का एक्सपीरियंस रह चुका है। मतलब अभी तक मैं अच्छा खासा है, मतलब वही बोलते हैं आईएसआई और आईआईटी वाला सेमेस्टर जो है दी मोस्ट यू कैन गेट आउट ऑफ दी सेमेस्टर इज व्हाट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अभी तक तो वही सही है। और थोड़ा सा मतलब एक चीज मैं सोच रहा था पहले, मतलब यहाँ पे आने से पहले, कि शायद आईएसआई अलग लेवल डिफिकल्ट होगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो वाला पार्ट फिर भी मतलब मैनेजेबल है, बिकॉज प्रोफेसर्स देर आर रियली वेरी गुड। तो मतलब बहुत इंट्यूटिव रहता है उनका पढ़ाने का तरीका, तो वो मतलब चीज इजी कर देते हैं। और एक चीज और था कि हाँ, मैं सोच रहा था कि आईआईटी के अंदर जाके कोडिंग एंड ऑल मतलब वहाँ पे यहाँ पे सीखना होगा, बट दैट स्टार्ट फ्रॉम दी आईएसआई ओनली। कि मतलब आईएसआई, आई वाज थिंकिंग कि आईएसआई में थ्योरी रहेगा, आईआईटी इज नॉट टेक्निकल पार्ट दैट विल, एंड आईएम के अंदर मैनेजरियल स्किल्स वाला। तो वो वाला कोडिंग वाला जो था वो आईएसआई से स्टार्ट होता है। दिस वाज आल्सो आई वाजंट थिंकिंग। और मतलब काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार हमको पहले से कोडिंग नहीं आता, या फिर हमारा कोई कनेक्ट कनेक्ट नहीं है एनालिटिक्स से, तो क्या मतलब क्या कुछ डिफरेंस आता है क्या? नहीं, मतलब ऐसा कहीं प्रीरिक्विजिट भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको कोडिंग आना चाहिए या आपको एनालिटिक्स आना चाहिए। तो मतलब वो मैटर नहीं करता, बिकॉज फॉर द कोडिंग ऑल्सो दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं आईएसआई के अंदर। मैं वही बोल रहा हूँ कि आईएसआई के अंदर वो डे वन से कोडिंग सिखाना स्टार्ट करते हैं। द आर प्रोग्रामिंग, द पाइथन और एसक्यूएल, जो भी विच इज रिक्वायर्ड इन द एनालिटिक्स डोमेन, द टीचर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द आईएसआई सेमेस्टर। तो फिर यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू ग्रैस्प द नॉलेज अबाउट दोस, लाइक यू हैव कंप्लीट अ ईयर फॉर दैट, दो सेमेस्टर तक पूरे करने के लिए। इंटरव्यू से पहले क्या डाउट्स थे वो, और अभी क्या परसेप्शंस में चेंज है वो बताना चाहोगे? इंटरव्यू के पहले तो मतलब डाउट तो क्या, बस आई वाज ओनली मतलब थिंकिंग कि आई जस्ट नीड टू क्लियर दिस एग्जाम। की ठीक है, एनालिटिक्स है रिगार्डिंग, मतलब इमर्जिंग फील्ड है। और सीरियसली लाइक एनालिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था, मतलब अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं था कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। मतलब सीरियसली ये सब बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे आके तो पूरा वही पता चला है मुझे कि एग्जैक्टली क्या है कोर्स, और रियली इट इज़ वेरी गुड। मतलब सही में सीखने का पूरा कम्प्लीट ही नया है मेरे लिए। तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि पहले मैं इंटरव्यू के पहले या एग्जाम के टाइम पे भी मैं मशीन लर्निंग के कोर्सेज वगैरह कुछ ऐसे कर रहा था, वो भी नहीं किया था मैंने। तो पूरा ही नया ही गया। तो मतलब काफी लोग सोचते हैं ना कि इंटरव्यू से पहले या फिर इंटरव्यू के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे, कि यार कोडिंग आना चाहिए और पाइथन सीख लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं, वो कोर्स कर लेते हैं। कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे कुछ, मतलब डज इट हेल्प? नहीं, सीरियसली मतलब टू क्रैक द एग्जाम इट डजंट मैटर कि आपको पहले से कोडिंग आना चाहिए या एनालिटिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एंड बाकी बाकी का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कुछ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया या फिर और सिर्फ एकेडमिक्स में ही कर? मतलब पीजीडीबी के अंदर अभी तक में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो लाइक दिस ईयर वी हैव फॉर्म द कॉन्क्लेव टीम, तो वी आर लाइक प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट एन इवेंट, द कॉन्क्लेव इवेंट व्हिच विल बी एन एनालिटिक्स इवेंट। तो उसके अंदर आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम। ओके ग्रेट, ऐसा ठीक है। या तो क्या सजेशंस देना चाहोगे इस बार के एस्पिरेंट्स को, मतलब तुमने क्या गलतियां की थी या फिर तुमने तुम्हारी क्या लर्निंग्स थी पूरे इस प्रोसेस में, क्या शेयर करना चाहोगे? लर्निंग का तो यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब वही रहता है कि इनफैक्ट भले एग्जाम्स में आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर रिटर्न स्कोर में कितने मार्क्स आए, आपके अगर 100 आए हैं, 120 आए हैं, 130 आए, आप कट ऑफ क्लियर अगर आपने किया है, दैट मीन्स यू आर मोर एंड मोर एलिजिबल। लाइक आप उतने ही प्रोबेबल हो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मतलब बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं, हमारा तो कम मार्क्स हैं, मतलब कट ऑफ के बाद में हमारे हमारे अगर 100 है और किसी के 120 है, तो थोड़ा सा रहता है कि अरे हाँ यार, दूसरे वाले का ज़्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने का। बट दैट्स नॉट द केस, दैट वॉज द लर्निंग। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो एक अच्छा पार्ट था मेरे लिए उस टाइम पे लर्निंग का, जो था वो अच्छा, ये था मेन।
इंटरव्यू के पहले यही चीज थोड़ा सा लगता था। तो और कोई जनरल टिप देना चाहोगे इंटरव्यूज के लिए? और तो जैसे वही रहता है कि इंटरव्यू के अंदर मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं पढ़ने के लिए। लाइक मतलब मैं अगर अपना केस बताऊं तो आई हैड जस्ट 9 days टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो उन 9 दिनों के अंदर अभी इतना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि समवन शुड प्रायोरिटाइज दोस टॉपिक्स कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। उनको प्रायोरिटाइज करो कि नहीं ये वाला मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड है, या फिर ये मतलब अगर इफ आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करूंगा टॉपिक्स, क्योंकि मुझे अपने इलेक्ट्रिकल पहले पढ़ना है, मैथ पढ़ना तो है ही है बेसिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स जो कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं तो उसको पढ़ने का इतना जरूरत नहीं है। बिकॉज इफ दे आस्क मी अबाउट स्टैटिस्टिक्स आई विल से नो, एंड दैट वाज आज इन माय इंटरव्यू आल्सो कि स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने मना कर दिया था कि मेरे कोर्सेज नहीं था अंडरग्रेड में, तो दे जस्ट आस्क मी बेसिक क्वेश्चंस। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं लगता मुझे, जो कि मतलब उस टाइम पे बिल्कुल नेसेसरी है, उनके लिए ही इम्पोर्टेंट है, हाँ वही अगर जिनके उन्होंने पढ़ा है लिए आप तो वो पढ़ना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। तो वही प्रायोरिटाइज करना इम्पोर्टेंट लगा मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन में टॉपिक्स को, और करंट अफेयर्स वगैरह वो सब तो रहता ही है बिकॉज वो पूछा ही जाता है, उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है कि वन ऑफ द पैनलिस्ट विल आस्क अबाउट द मैथ्स एंड प्रोबेबिलिटी लाइक दिस क्वेश्चंस, द अदर वन विल मे आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस और अदर क्वेश्चंस, एंड द आई एम प्रोफेसर जनरली आस्क अबाउट द करंट अफेयर्स एंड अदर अदर दोस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक उसके अंदर वही रहता है, तो करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने का होना चाहिए, लाइक लास्ट 2 महीने के तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, आपकी कंपनी से रिलेटेड पता होने चाहिए। तो दीज आर दी टिप्स आई वुड सजेस्ट। और अगर मैं पूछना चाहूँ कि तुम्हारा एक मतलब जो काफी लोगों में डाउट होता है कि यार हमारा एनालिटिक्स से बैकग्राउंड नहीं है, और अगर अलग अलग तरह के लोगों को डाउट्स होते हैं, एंड स्टिल तुम्हारे केस में साथ में भी यही चीज था, एंड स्टिल यू गॉट सेलेक्टेड, तो ऐसा क्या पॉइंट था जिससे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर स्पेशल था, जिस वजह से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? मतलब अगर इसको वैसे देखूं कि एनालिटिक्स बैकग्राउंड फर्स्ट, तो एनालिटिक्स बैकग्राउंड नहीं होना अगर मतलब मैं हम देखें कि लास्ट अभी 7 बैचेस हो चुके हैं पीसीडी में के, तो इन ईच एंड एवरी बैच अराउंड देयर इज अ जनरल ट्रेंड कि 60-70% ऑफ द बैच इज नॉट हैविंग द एनालिटिक्स बैकग्राउंड अभी तक सारे बैचेस के अंदर। तो लाइक हम पता लगा सकते हैं, नंबर क्रंच कर सकते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं है कि एनालिटिक्स वाले ज्यादा होंगे पीसीडी में, ये चीज है। और मतलब आई थिंक कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू द अप्रोच ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट, जो कि विच मेक समवन टू कन्वर्ट द एग्जाम, वो मुझे ज्यादा लगता है। मतलब इवन इफ द आंसर इज इनकरेक्ट बट अप्रोच इज गुड, तो देर इज हाई चांसेस ऑफ कन्वर्जन। तो ये चीज मुझे लगी इन इन माई केस, आई वॉज एबल टू लाइक दे आई थिंक दे लाइक माई अप्रोच इन द आंसर्स। बाकी कुछ एक आंसर्स इवन गलत थे, लाइक देर वॉज अ केस स्टडी तो उसके अंदर भी आई वॉजन एबल टू आंसर इट टू दी 100%, तो दे जस्ट वर चेकिंग माई अप्रोच टू द क्वेश्चन। ओके एंड मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे तुमको ग्रिल किया था इंटरव्यू में किसी चीज़ पे? वही वही केस स्टडी जो था लाइक फॉर मी लाइक इन माई फाइनल ईयर आई हैड डेटा स्ट्रक्चर माई कोर्सेज, बट आई हैड दी पास्ट एक्सपीरियंस इन दी इलेक्ट्रिकल डोमेन इंस्ट्रूमेंटेशन डोमेन विच वॉज नॉट रिलेटेड टू द कोडिंग पार्ट। तो लाइक आई डेंट प्रिपेयर फॉर दी दैट पार्ट ऑल्सो, सो दे वर दे गेव मी केस स्टडी फॉर द एरे पार्ट डेटा स्ट्रक्चर पार्ट एंड आई वॉज ग्रिल्ड अ लिटल बिट ऑन दैट क्वेश्चन। सो बट आई वॉज एबल टू provide some approach, so that's what I was saying कि they liked my approach at least for solving that question. I think मतलब you have given quite a lot of information to everyone. और कोई जनरल टिप देना चाहोगे या जनरल सजेशन देना चाहोगे इस साल के एस्पिरेंट्स को? But वही कि बस be confident whatever marks you have scored, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कम मार्क्स हैं या ज्यादा मार्क्स हैं, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू अपियर फॉर द इंटरव्यू एंड शुड नॉट फील कि मुझे एनालिटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है मैं कर पाऊंगा, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। इफ यू डोंट इफ दे आस्क यू एनी क्वेश्चंस अबाउट द एनालिटिक्स लाइक नो भी आंसर होता है उसका, तो दैट्स द केस। तो वही सर एक और चीज, काफी लोग आईआईटी एनआईटी वाला काफी डाउट होता है लोगों को,
एंड मैंने रिसेंटली कॉल मतलब तुम्हारे ही बैच का डेटा लिया था एंड आई फाउंड आउट कि 50 अप्रोक्सीमेटली 50% आईआईटी से करेक्ट हैं एंड 50% बाकी लोगों से, बाकी बैच बाकी करेक्ट कॉलेजेस। करेक्ट एंड लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार 90% तो आईआईटी से जाते हैं, व्हिच इज नॉट नहीं ट्रू। नहीं नॉट रियल, मतलब एंड वही है, नॉट कैसा जस्ट रहा है आर ओवरऑल, नॉट मतलब इसके बारे में आइडिया है क्या कि फ्रॉम द इनिशियल डेज अभी तक ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर मतलब पहले से 50-50 था या फिर पहले ज्यादा होता था और अभी कम हो गया है? मतलब आई थिंक शायद एक तो बैच पहले का मैं लास्ट ईयर देखा था, तो शायद उसमें फिर भी थे ज्यादा, बट इन माय बैच नहीं है, इतना नहीं है, रेशो वैसा नहीं है, फिफ्टी बेसिकली ट्रेंड इज फिफ्टी चेंजिंग करेक्ट एंड मतलब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है एंड पीपल आर गिविंग दिस करेक्ट रीजन, लोग बाकी कॉलेज से भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो माय हाँ आल्सो पॉइंट वाज दैट कि अगर आईआईटीएनसी ज्यादा पेपर देंगे तो उनका ही ज्यादा सिलेक्शन होगा, दैट इज एग्जैक्टली, ऑब्वियस। दैट इज ऑब्वियस, वही है। ओके पराग, ठीक है, आई थिंक यही सब मेरे क्वेश्चंस थे एंड मैं सारी चीजें पहुंचाना चाहता था लोगों की। काफी लोगों को डाउट रहता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा और काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर इंटरव्यू एक्चुअली। एग्जैक्टली मतलब अभी जैसे एनालिटिक्स का भी क्वेश्चंस पड़ते हैं, मैं एस्पिरेंट था तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय फेलो एस्पिरेंट्स, तो एक होता है पीयर प्रेशर भी बनता है कि अरे यार दूसरा वाला एनालिटिक्स के क्वेश्चंस पढ़ रहा है तो मैं भी क्यों ना पढ़ रहा हूँ, बट दैट इज सीरियसली टाइम वेस्टिंग है। अगर मैंने मेरा एनालिटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आई आई डोंट थिंक कि आई शुड स्पेंड टाइम ऑन दैट, इवन फॉर द गुड प्रिपरेशन आई शुड प्रायोरिटाइज इट लेस, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं लास्ट में पढ़ सकता हूँ, बट फॉर मी आई आई डेंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर, 9 days ही थे, तो वही था, प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है कि अगर नहीं है तो इतना डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है उस उन टॉपिक्स पे, तो वही एक पार्ट रहता है मेन। ठीक है पराग, और अच्छा एक वन लास्ट क्वेश्चन कि कंपटीशन कैसा है वहां पे? कॉम्पिटिशन्स वही रहता है, मतलब आप अगर ढंग से पढ़ रहे हो चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो डाउट, मतलब थोड़ा रिगरस है कोर्स इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, पूरे नए कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, जो है स्टैटिस्टिक्स मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनके स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर इंजीनियर्स एंड हार्डली ऑफ अस हैड स्टैटिस्टिक्स इन दियर अंडरग्रेड, तो स्टैटिस्टिक्स को वही है थोड़ा ग्रैस्प करना, और वो एकदम नया रहता है तो वो डिफिकल्ट रहता है, तो वही है, आप स्पेंड अगर टाइम ढंग से दोगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू हियर, ओके तो कंपटीशन भी वही रहता है, इफ यू आर कंसिस्टेंट विद दी स्टडीज तो ठीक है, वो मार्क्स वैसा ज्यादा रहेगा, देयर इज नो इशू विद दैट, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आईआईटीएंस है तो वो टॉप कर रहे हैं और दूसरा है तो ऐसा वो है, ऐसा भी नहीं, कैसे एवरीवन इज इक्वल ओवर हियर। ओके ओके पराग, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड और अगर कोई पॉइंट होगा तो वी विल डेफिनेटली कनेक्ट। एज ऑफ नाउ तो मेरे श्योर पास यही सारे क्वेश्चंस थे एंड आई थिंक यू गेव अ गुड क्लियर पिक्चर अबाउट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या माहौल है वहाँ पे, कैसा कंपटीशन है एंड आई थिंक ऑल्सो दैट। वी हैव अ पेज अबाउट द पब्लिक रिलेशंस पेज, पीजीडीबी पब्लिक रिलेशंस, तो वहां पे ऑल द 60 स्टूडेंट्स हैव पोस्टेड देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो वो भी एक हेल्पफुल हो सकता है, यू माइट नो आकाश। ठीक है, आई विल डेफिनेटली पास ऑन दैट। ओके या ओके पराग, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके आकाश, थैंक यू।